प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स का बड़ा प्रदर्शन इस वक्त जारी है। पिछले 80 दिन से प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। सोनीपत में आंगनवाड़ी वर्कर्स का भीख मांगो प्रदर्शन, बाजार में कटोरा डिब्बा लेकर भीख मांग रही हैं ये वर्कर्स। उपायुक्त कार्यालय धरना प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। झंडे, बैनर, डिब्बा, कटोरा सब लेकर भीख मांगी जा रही है। तालमेल कमेटी के आह्वान पर ये प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार की घोषणा झूठी साबित हुई है, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स का कहना है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स गुस्से में हैं और अपने गुस्से में वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार का धरना प्रदर्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हाथों में कटोरे लेकर ये सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं ये प्रदर्शन कर रही हैं। और इनका कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है, यानी कि सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया। तो प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है और किस तरह से ये धरना चल रहा है, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करनाल और झज्जर की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए करनाल में की तस्वीर में आप देखिए कि महिलाएं हाथों में बैनर लिए हैं और हाथों में कटोरा भी लिए हैं, भीख मांग रही हैं। ये देखिए, ये बताने की कोशिश है कि अगर उनका भत्ता नहीं बढ़ाया जाता है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो इस तरह की नौबत भी आ सकती है।